देश की सुरक्षा को दांव पर लगाने का। मैं जानता हूं उत्तराखंड इन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, इसलिए आने वाली 14 तारीख को, 14 फरवरी को कांग्रेस के गुनाहों को याद करते हुए ही भारतीय जनता पार्टी के कमल के लिए मतदान करना है। साथियों, डबल इंजन की सरकार, इन सरकार के होने से चीजें कैसे बदलती है, विकास पर लगे हुए ब्रेक कैसे हटते हैं, इसका बहुत बड़ा उदाहरण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम एक दशक पहले शुरू होना था, लेकिन पिछली ब्रेक वाली सरकार ब्रेक पर ब्रेक ही लगाती रही। 2011 से 2014 तक उनकी, यहां भी भारत सरकार में भी उनकी सरकार थी, केंद्र में और राज्य में दोनों सरकारें उनकी थी, यानी डबल ब्रेक वाली सरकार। डबल ब्रेक वाली सरकार द्वारा इन 3-4 सालों में इतने बड़े काम के लिए केवल 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए, केवल 4 करोड़। 2014 में जब केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया, हमारी सरकार आई तो एक ब्रेक हमने हटाया, हमने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए प्रयास शुरू किए। लेकिन दिल्ली से हम जोर लगाते थे, देहरादून से ब्रेक लगा दिया जाता था। 2017 में जब देहरादून में डबल इंजन की सरकार आई, उसके बाद से करीब 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आप कल्पना कीजिए, ये ब्रेक लगाने वालों ने 4 करोड़ खर्चा और 2 इंजन लग गए, डबल इंजन लग गए तो 5,000 करोड़ लग गया। जल्द ही पहाड़ों पर रेल का ये बड़ा काम पूरा हो जाएगा। 4-4, 5-5 पीढ़ी ने इंतजार किया है, 5-5 पीढ़ी के इंतजार का, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लगे हुए हैं। इसी तरह दिल्ली देहरादून हाईवे का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय 2000 में शुरू हुआ था, जब ये राज्य जन्मा था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे लटकाकर छोड़ दिया। यूपी से क्लियरेंस न मिलने का बहाना बनाया गया, जबकि केंद्र में इनकी सरकार और यूपी में उनके भागीदारों की सरकार थी। ये काम भी तब भी पूरा हुआ, ये काम तब पूरा हुआ जब भाजपा की डबल इंजन सरकार आई। ये ब्रेक लगाने वाले फिर से मौके की तलाश में बैठे हैं, लेकिन अब उत्तराखंड को गति चाहिए, उत्तराखंड को प्रगति चाहिए, उत्तराखंड को लगातार डबल इंजन की सरकार चाहिए। साथियों, हरिद्वार का नाम ही हरि का द्वार है, यानी श्री हरि का द्वार, और जहां भगवान हरि है वहीं लक्ष्मी जी जाती है, यानी प्रगति समृद्धि भी वहीं से होकर जाती है। ये क्षेत्र उत्तराखंड को दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ता है। यहां उद्योग की
पर्यटन की, रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। हरिद्वार में स्थापित उद्योग पूरे उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमारी डबल इंजन की सरकार ने हरिद्वार, देहरादून और इस पूरे क्षेत्र में विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। दिल्ली देहरादून के बीच बन रहा एक्सप्रेसवे यात्रा के समय को घटाएगा, नए उद्योगों को यहां आने का रास्ता देगा। हरिद्वार के उद्योगों को तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। हमारी सरकार ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर एक नया टर्मिनल भी शुरू किया है। इससे यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, पर्यटन से होने वाला लाभ बढ़ेगा। केंद्र सरकार देश में वॉटरवेज को विकसित कर रही है। गंगा में अब शिप चल रहे हैं, जहाज चल रहे हैं। इसका बहुत बड़ा फायदा हरिद्वार और पूरी गंगा बेल्ट को होगा। हरिद्वार में रिंग रोड के लिए 1,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सैकड़ों करोड़ रुपयों की लागत से ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया है। ऐसे कितने ही काम हैं जो इस समय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारे लिए उत्तराखंड का विकास, यहां की सेवा, हमारे लिए ये पुण्य का काम है, पवित्र कार्य है। इसलिए हम उत्तराखंड और हरिद्वार के लिए काम करते हैं, जी जान लगाकर काम करते हैं, पवित्र मन से काम करते हैं। जबकि वो हरिद्वार नहीं, गर्भद्वार और परिवार के लिए काम करते हैं। हम सत्ता में आए तो हमने मां गंगा की सेवा और स्वच्छता के लिए नमामि गंगे अभियान शुरू किया। आज मां गंगा निर्मल हो रही है, लेकिन जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने क्या कृत्य किए थे? इन्होंने इसी हरिद्वार में हरि की पैड़ी पर मां गंगा को नहर घोषित कर दिया था।